फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हल्दी फंक्शन कुर्ता। मतलब हल्दी फंक्शन जो गरारा हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, ये वाला, ये अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था, आज हम बनाएंगे इसी के साथ का कुर्ता, वो भी इतना लंबा, क्योंकि यहाँ तक का ही हमें चाहिए तभी वो परफेक्ट लगेगा, है ना दीदी? हाँ। तो कुर्ता बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है ये वाला फैब्रिक। तो इसका हम बनाएंगे, नेट का फैब्रिक है ये, हमारे पास 2 मीटर है, लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी है, वो अभी आपको दीदी मेजर करके बता देंगे। और इसमें बेल स्लीव्स बनेंगी और ये वाली लेस भी लगेगी इसी में। और ये रहा इसका इनर, जर्मन सिल्क का ही फैब्रिक है जिसका अपन ने गरारा बनाया था। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मटेरियल। तो ये हमारा अस्तर है, जर्मन सिल्क का अस्तर है, जो कि हमने लिया है 2 मीटर, जिसका हमने गरारा बनाया था ये वही कपड़ा है। ये हमारा लंबाई में 2 मीटर है और विड्थ में ये 44 इंच का है, और इसे हम अस्तर के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारा जर्मन सिल्क का कपड़ा है। और ये रहा हमारा नेट का फैब्रिक जो कि मेन फैब्रिक रहेगा, ये भी 2 मीटर कपड़ा है, इसकी जो विड्थ है वो 50 इंच है। तो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम अस्तर को ले लेंगे, अस्तर को हमने खोलकर सिंगल कर लिया है, दोनों कोने मिलाकर डबल कर लिया। इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे। आपको अपने दामन के हिसाब से इसको 2 इंच बड़े में इसको फोल्ड करना है। अब इसमें हल्के हल्के से हमें नाखून लगा देना है जिससे कि हमारा सेंटर निकल आए। अब आपको शोल्डर के निशान लगाना है, यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन खींचना है। शोल्डर हमारे 12 इंच के हैं तो उसका आधा हो जाएगा हमारा 6 इंच, क्योंकि गले हमारे डीप गले बन रहे हैं, आगे का भी और पीछे का भी दोनों ही डीप गले, इसलिए हमने शोल्डर 12 इंच के रखे हैं। अगर हमारे गले छोटे होते पीछे के तो हमें शोल्डर फिर बड़े रखना पड़ते, हमारे डीप गले हैं इसलिए हमने शोल्डर 12 इंच के रखे हैं। अब हमें आर्म होल्स के निशान लगाना है। तो आर्म होल्स हमारे 7 इंच के रहेंगे, कमर हमारी 14 इंच पर आएगी और चौक हमारे 19 इंच के हैं, तो आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेंगे इसलिए हमने 19.5 पर निशान लगा दिया है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे, यहाँ से इंची टेप को रखना है आपको और लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी जो लंबाई है वो 34 इंच की है, तो हमने फिक्स पर ही निशान लगा दिया है, क्योंकि ये अस्तर वाला है, अस्तर में बढ़ाकर नहीं रखते, जो बढ़ाकर रखेंगे हम वो मेन फैब्रिक में रखेंगे। अब हमें फिटिंग के निशान लगाना है। सीरिंग फिटिंग हमारी 34 इंच है, 3 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला सूट अस्तर वाला है इसलिए हम इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। तो हमारा 37 हो जाएगा, 37 का चौथाई भाग करेंगे तो 9.25 इंच आएगा, 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे, ये 9 और ये 2 पॉइंट। कमर हमारी 28 इंच की है, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगी, 31 का चौथाई भाग 7.25 इंच आएगा, ये 8 और 8 में 2 पॉइंट कम, तो ये हो गया हमारा 7.25। हिप का जो साइज है वो हमारा 36 इंच है, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 का चौथाई भाग करेंगे तो 7.10 इंच आएगा। तो हम ये 7.10 पर निशान लगा रहे हैं, ये हमारा यहाँ 10 होगा और 2 पॉइंट कम कर देंगे तो 7.10 हो जाएगा। जो हमारे दामन है वो 20 इंच के हैं, उसका हाफ करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा, तो 10 पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे, राउंड वाला, और सीधी वाली साइड से यहाँ पर सीधे में एक निशान लगा देंगे और 1 इंच दूरी पर एक निशान और लगा लेंगे चौक मोड़ने के लिए। अब यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल्स में शेप दे देंगे, इसमें गोलाई कर देंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे, एक यहाँ सीने के पास लगाना है, कमर के पास, हिप के पास, और एक यहाँ सेंटर पे। अब इसमें से बैक पार्ट हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा लेंगे, आगे वाले आर्म होल्स में गोलाई कर देंगे। आगे हमारा बकरम का गला बनेगा, इसलिए सिर्फ इसमें हमें तिरछे में कट लगाना है, गला अभी कटिंग नहीं करना है। 2.5 इंच हम इसकी विड्थ रख रहे हैं और यहाँ पर ऐसे तिरछे में कट कर देंगे, इसको साइड में कर लेंगे, बैक साइड का पार्ट लेंगे और इसको वापस से जमा कर अच्छे से रख लेंगे। बैक साइड की गले की विड्थ हम 2.25 इंच रख रहे हैं और लंबाई में ही हमारा 6 इंच है, नीचे भी हमको 2.25 इंच विड्थ रखना है। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और अब इसमें गोल गला ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर डोरी का निशान भी लगा देंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देना है। ये हमारा बैक साइड का गला कट गया है, अभी इसको साइड में कर देंगे। अब हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। अब हमने एक बकरम ले लिया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई में हमने इसको बड़ा लिया है, आपको जितने भी बड़ा गला कटिंग करना हो उसके हिसाब से आप ले लीजिए। यहाँ से इंची टेप को रखना है और गले की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6.5 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा इसीलिए हमने आधा इंच बढ़ा लिया है।
और गले की विड्थ हम रख रहे हैं 3.25 इंच, क्योंकि 2.5 इंच हमने उसमें रखी थी, जब सिलाई करेंगे तो 3.25 इंच हमारा एकदम सही आ जाएगा। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। जो डिजाइन हमको इसमें देना है वो शेप को ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे घुमाना है, यहाँ मिला देना है, और इसको यहाँ से ऐसे ले जाना है और इससे मिला देना है। ये वाला डिजाइन हमें इसमें देना है। अब इसको आधे से 1.25 इंच दूरी से कटिंग कर देंगे बाहर साइड से। गले की कटिंग हो गई है हमारी, बकरम को अभी साइड में कर देंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे स्लीव्स का अस्तर, तो ये जो लंबे में कपड़ा बचा है इसको लेंगे और इस साइड घुमा देंगे। घुमा लिया, अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये हमारा डबल में तो रखा ही था पहले से, अब इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, तो ये होगा हमारा 4 फोल्ड। यहाँ पर हम नाखून लगा लेंगे और कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। अब इंची टेप को लेना है और 1 इंच ये हमारा मोड़ने का हो गया। अब यहाँ से लगाएंगे लंबाई का निशान। तो स्लीव्स जो हमारी है वो 4 इंच की है और 1/2 इंच हमारी ऊपर सिलाई में दबेंगी, इसलिए हमने 4.5 इंच पर ये निशान लगा दिया है। और यहाँ की जो चौड़ाई रखना है आपको, जो आपका सीने का साइज निकला था चौथाई भाग करने में, वही लेना है। तो ये हमारा 9.25 इंच निकला था, इसमें हमें 1 इंच प्लस और कर लेना है। तो 9.25 में 1 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10.25 इंच। तो ये निशान हमको 10.25 इंच पर लगाना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना है। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच इसको डाउन करने का निशान लगाना है। अब इसमें हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन के पास सीधी लाइन खींच ली हमने, जिससे हमें पता चल जाए। और ये वाले इस निशान पे भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जिससे मोड़ने के लिए पता चल जाए हमें। अब इस निशान पर से कटिंग कर देंगे, यहाँ पर एक कट लगा देंगे। एक कट हमें यहाँ सेंटर पे लगाना है। अब 2 कपड़े पकड़ेंगे, ये 1 और ये 2, गोलाई कर देंगे इसमें। स्लीव्स का अस्तर हमारा कट हो गया है, इसको साइड में कर लेंगे। अब इसमें से हम गले की पट्टी निकालेंगे, ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसी में से, तो इसको खोल के सिंगल कर लेना है। इसको एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे, नाखून लगाएंगे और अब बैक साइड की गले को लेंगे और इसके ऊपर लाकर रख लेंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देना है, इसको हटा देंगे और 1.5 इंच दूरी से कटिंग कर देंगे। ये हमारी गले की पट्टी कट गई है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम अपना आगे का गला लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इससे थोड़े से दूरी से कटिंग कर लेंगे, जिससे कि ये वाला गला हमारा इस कपड़े में से बन जाएगा। और ये जो हमारा कपड़ा बचा है, अगर आप शलवार वगैरह कुछ और बना रहे हैं तो इसमें से हमारा बेल्ट निकल जाएगा, बहुत सारा कपड़ा बचा है, कुछ भी यूज हो सकता है। अस्तर का हमारा पूरा काम हो गया है। अब हमने मेन फैब्रिक नेट को ले लिया है, तो ये अभी हमारे सीधे में है, इसको उल्टे में कर लेंगे। इसको हमने उल्टा कर लिया है, अब इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है और इसमें हल्के हल्के से नाखून भी लगा लिए हैं। अब हमें इसमें लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ से तो हमारा तैयार आया है बॉर्डर, इसमें हमको दामन पे कुछ नहीं करना। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और हमारी लंबाई 34 इंच की है, ये हमारी फिक्स लंबाई हो गई। और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा शोल्डर के पास, तो ये हमने 34.5 पर निशान लगा दिया है। अब हम अपने अस्तर को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, इसी के बराबरी से जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया था उसकी बराबरी से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी नीचे तक कटिंग कर देनी है। ये हमारा कट गया है, इसको साइड में कर देंगे। अब यहाँ से हमको स्लीव्स निकालना है, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये हमारा डबल फोल्ड रखा था, एक बार फोल्ड कर दिया, 4 फोल्ड हो गया। स्लीव्स समझ लीजिए कि बनाना कैसी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 आस्तीन हमें एक नॉर्मल बनाना है वर्क वाले कपड़े में से। इसके बाद हमें यहाँ पर बेल स्लीव्स बनाना है, वो भी चुन्नट वाली। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे, पहले हम नॉर्मल वाली स्लीव्स कटिंग कर देते हैं। यहाँ से इंची टेप को रखा, अस्तीन हमारी 14 इंच की है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में दबेगी, तो 14.5 पर हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम अपने अस्तर को रख लेंगे इसके बराबरी से, इस निशान के बराबरी से, और इसको यहाँ पर खोल दिया हमने। और यहाँ की जो फिटिंग है वो 10 इंच की है, तो हमने 10 का आधा 5 पर निशान लगा दिया और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा 2 इंच का। अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें एक छोटी सी कली लगाना पड़ेगी, 1 नहीं 4। अब हमने अपना ऊपर वाला कपड़ा ले लिया है, इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर देंगे और इसको इसके नीचे रख देंगे। और 1/2 इंच हमने इसको चढ़ाकर रख दिया है। अब इसी बराबरी से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर लाकर खत्म कर देंगे इसको, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी जगह में कली चाहिए। अब इसको बाहर निकाल लिया, इसको पलटा और यहाँ से काट कर अलग अलग कर लेंगे, खोल देंगे। ये हमारी 4 कलियां कट गई, ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगी। ये 2 हमारे पीस तो खुले हुए हैं, इनको भी काट कर खोल देंगे। ऊपर की स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है, इसको साइड में करेंगे।
अब ऊपर वाली स्लीव्स निकल गई, अब इसके बाद हमको नीचे की झालर निकालना है। तो ये जो हमारा प्लेन कपड़ा है इसको काट कर हम हटा देंगे, इसको हमने कटिंग कर दिया है, इसको साइड में कर देंगे। अब इसमें से हमको 5 इंच की झालर चाहिए। पूरी हमारी 19 इंच की आस्तीन तैयार थी, उसमें 14 इंच की हमने कटिंग कर ली है। अब हमको इसमें से 5 इंच की झालर निकालना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखेंगे, 6 इंच की हम झालर कटिंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में भी दबेगी इसीलिए। तो इसमें 6 इंच की पट्टी निकाल लेना है हमें फ्रिल के लिए। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो झालर हमने कट की है ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए हो जाएगी। तो हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। इसी के साथ हमारा अस्तर वाला ब्राइडल गरारे के साथ का कुर्ता कटिंग हो गया है। और हमारा ये हल्दी फंक्शन गरारा है, आपको पता ही है, हमने कल ही बताया था आपको। तो हमारा हल्दी फंक्शन ब्राइडल गरारे की कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपको अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग करना बताएगी। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्राइडल गरारे की जो हल्दी फंक्शन ड्रेस है उसकी कुर्ती की स्लीव्स। तो कुर्ती की स्लीव्स हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा अस्तर है इसको लेंगे सबसे पहले और इसको खोल के सिंगल कर लेंगे और यहाँ से इसको 1 और ये 2 डबल पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे दोनों को। दोनों स्लीव्स के अस्तर को हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसको खोलना है और आस्तीन की नेट को सिंगल कर लेना है और ये जो 4 कलियां दीदी ने कट की थी इनको लगाएंगे यहाँ पर। 1 लगा देंगे हम इस साइड और ऐसे ही 2 हम लगा लेंगे इस साइड, इन पे लगा देंगे सिलाई। 4 कलियां हमने इसमें लगा दी हैं। अब इसको खोल के सिंगल कर लेंगे और उल्टा करके हमने इसको रखा है और अस्तर लेंगे, अस्तर को भी उल्टा करके इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर इसको अटैच कर देंगे और इस वाले को भी यहाँ पर सिलाई लगा कर अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई हमें नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर साइड ही लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों अस्तर को इसमें अटैच कर दिया है। अब लगाएंगे हम यहाँ पर फ्रिल। तो ये जो हमारी फ्रिल है इसको ले लेंगे और अगर आपकी फ्रिल यहाँ ऊपर साइड से नहीं निकले फैब्रिक में से, मतलब कुर्ती की लंबाई में से, तो आप ये जो स्लीव्स निकाली था इसके ऊपर से जो कपड़ा बचा था वहां से भी आप फ्रिल निकाल सकते हैं। हमारे नेट के फैब्रिक का तो विड्थ ज्यादा थी, 50 इंच की थी, इसलिए हमारी ऊपर साइड से ही निकल गई। अगर आपकी नहीं निकले तो आप स्लीव्स के ऊपर साइड से निकाल सकते हैं। तो इसको साइड में कर देंगे। ये जो हमारी फ्रिल है इसको लेंगे, खोल के सिंगल कर लिया, ये हमारी सीधी है, इसको यहाँ से ऐसे पलटते जाएंगे और अपनी लेस लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर रख के सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रिल में हमने लेस लगा दी है और लेस हमने 2 मीटर ली थी। तो अभी हम इसमें फ्रिल ऐड करेंगे स्लीव्स के अंदर। तो स्लीव्स को हमें सीधा करके रख लेना है और सेंटर का निशान लगाना है। तो ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है, सेंटर से इंची टेप को रखेंगे और हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग थी यहाँ की स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच थी। तो 5 इंच पे इंची टेप को रख लिया है, 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड। तो ये हो गई हमारी 10 इंच स्लीव्स की फिटिंग। इसके बीच में हमें चुन्नट बनानी है, तो निशान लगा लिया। अब हम इसको उल्टा करके रख लेंगे और झालर को भी हमें उल्टा करके ही रखना है इसके ऊपर। और ये जो हमारा निशान है फिटिंग वाला, यहाँ से यहाँ तक तो इसमें प्लेन सिलाई लगा देंगे सीधी वाली और निशान के पास से इसमें चुन्नट बनाएंगे। दोनों स्लीव्स में फ्रिल लगाकर स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। स्लीव्स को अब साइड में कर देंगे और अब बनाएंगे हम कुर्ती के नेक। ये जो हमारी पीछे गले की पट्टी है इसको हमें बाहर साइड से पतला पतला फोल्ड कर देना है। इसको हमें यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच करना है, 1/2 इंच दूरी से कटिंग करके बाहर साइड से फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। दोनों साइड के नेक की पट्टी हमने रेडी कर ली है, अब इनको हटा देंगे। हमारी कुर्ती है इसको ले लेंगे, इसको यहाँ से इसको लेना है, 2 फैब्रिक उठाना है, यहाँ से 1 और ये 2 दो कपड़े पकड़ लेंगे और यहाँ पर नाखून रख लेंगे और नीचे साइड निशान लगा लेंगे। निशान हमारी लग चुकी है, अस्तर को हटा देना है यहाँ से और खोल के सिंगल कर लेना है और यहाँ से दामन को 1 और ये 2 दो पल्टी में फोल्ड कर देना है दोनों को। दोनों साइड के अस्तर को नीचे से हमने फोल्ड कर दिया है। अब अपनी नेट को ले लेना है, इसको खोल के सिंगल करके और उल्टा करके रख लेना है। रख लिया,
इसमें से अपना अस्तर लेंगे, अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, लगाते हुए यहाँ से पूरे यहाँ तक लगा देंगे और ऐसे ही हम इस पे भी लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर दोनों पार्ट का हमने अस्तर अटैच कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसमें नेक, तो इसको कर लेंगे हम सीधा। ये हमारा फ्रंट वाला है, ये रहा हमारा फ्रंट वाला नेक जिसको हमने रेडी किया था। ये सेंटर की जो लाइन दिख रही है, इस सेंटर की लाइन से इस सेंटर को मिला देना है और इसको यहाँ से मिलाना है। यहाँ से बकरम के बगल से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। बकरम के बगल से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। इसी की बराबरी से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तीनों कोनों पर कट्स लगा देंगे और यहाँ से इसको पलट के हम अंदर कर देंगे। पूरा पूरे बकरम को अंदर करना है। इसके ऊपर हमें दो सिलाई लगाना है, एक पॉइंट की और एक आधे इंच दूर से बकरम को अटैच करने की। फ्रंट का नेक तो हमारा रेडी हो गया है। ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, इसका ये नेक है। इसमें हमें लगानी है डोरी, 2 इंच नीचे हमने लगा लिया है कट। यहाँ से डोरी को रखना है, एक इस साइड और एक इस साइड। इसके ऊपर हम ये पट्टी रख लेंगे जो हमने रेडी की थी। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। गोलाई में कट्स लगाएंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया, कट्स लगा के इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी। इसको अब हमने सीधा करके रख लिया है। फ्रंट पार्ट को लेना है, इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है। यहाँ से इसको मिलाएंगे पट्टी के बगल में से, पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे और पक्की सिलाई लगाकर इस शोल्डर को अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। दोनों साइड के शोल्डर हमने अटैच कर दिए, खोल लेंगे इसको और यहाँ से इस पट्टी को पलट देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम लगाएंगे स्लीव्स, तो स्लीव्स हमने पहले ही रेडी कर ली है। स्लीव्स की गोलाई और फ्रंट की गोलाई देखते हुए स्लीव्स को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों को डबल सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने इसमें अटैच कर दिया है, फ्रिल वाली। अब हम इसको लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर पलट देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन दोनों कट्स को मिलाते हुए, पक्की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर 10 फिटिंग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लेंगे और यहाँ से ऐसे में सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग करेंगे और इसको यहाँ से पलट देंगे और पलटने के बाद सेम फिटिंग हम यहाँ से लेके यहाँ तक की कर देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक दोनों साइड की फिटिंग इसमें हमने कर दी है। अब हमको बनाना है चौक, क्योंकि दामन तुम्हारा पहले से ही रेडी है, तो इसको कर लेंगे हम सिंगल। सिंगल करने के बाद ये जो फोल्ड करने के लिए रखा था यहाँ से, तो यहाँ से एक और एक ये दो पलटी में यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के चौक को फोल्ड कर देना है दोनों साइड का। साइड स्लेट बनने के साथ ही हमारा पूरा हल्दी फंक्शन ब्राइडल गरारे का कुर्ता बन चुका है और वो भी डिजाइनर वाली बेल जो स्लीव्स होती है उसके साथ। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये बेल स्लीव्स हल्दी सेरेमनी ब्राइडल कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। और ये रहा हमारा हल्दी फंक्शन गरारा और ये है उसका कुर्ता। और ये कुर्ता इसके साथ कुछ ऐसा लगेगा, ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। पूरी ड्रेस कैसी लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पूरा सेट हम डमी में वेयर करके आपको दिखा देंगे ब्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग के चैनल का नेम प्रिया प्रीति ब्लॉग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली ब्लॉग शूट करते रहते हैं हम, कुछ ना कुछ आपको वैसे न्यू चीजें दिखाते ही रहते हैं। ये ड्रेस भी दिखा देंगे और भी बहुत सारी ड्रेसेस बनना है अभी मेहंदी की और बली में की और भी बहुत सारी ड्रेस बनना है, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी न्यू ड्रेसेस देखते रहें। अगर आपने अभी तक भी गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखी है तो गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये ड्रेस पूरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।